दोस्तों आज मैं जो है भदान नदी के पास आ चुका हूँ और शाम जो है 5 बजे का टाइम है। तो आज दोस्तों शाम के वक्त हम लोग जंगल के अंदर जाने वाले हैं और काफ़ी जंगल के अंदर ख़तरनाक हो सकता है। और सामने आप देख सकते हैं कि काफ़ी ऊंचा घाटी है और हम चल चुके हैं जंगल के अंदर। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और देखते हैं आज हमारे साथ जंगल के अंदर कौन कौन से कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं, जंगल के अंदर की ओर सफ़र शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वार्किंग डियर का कॉल चालू है और शायद टाइगर आसपास ही है और आगे जो है बांस की झाड़ियों पर हलचल भी हो रहा है। तो थोड़ा सा रुकते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि कॉल कब तक चलता है वार्किंग डियर का। और यहाँ पे दोस्तों वार्किंग डियर को गांव की भाषा में इसे मेढ़की और भाषा भी कहते हैं। तो अभी जो है भाषा चल रहा है वार्किंग डियर का और जैसे ही ये दूर कॉलिंग चालू होगा तो आगे अपन बढ़ेंगे। हो सकता है कि ये रोड तो दोस्तों काफ़ी दूर चला गया, तो आगे हम बढ़ रहे हैं और आगे जो है गांव की मवेशी भी हैं, शायद इन्हीं की वजह से जो है टाइगर इनके पास आता रहा हो और किसी वजह से जो है वो आ नहीं पाया। तो यहां से वो फ़िलहाल काफ़ी दूर चला गया है, देखते हैं आगे चलकर शायद हमें आगे मिल जाए देखने को। तो चलते हैं आगे। हम जो है पिपराहा क्षेत्र में पहुँचे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी घना जंगल है और यहाँ पे टाइगर का मूवमेंट हमेशा बना रहता है और हो सकता है कि आगे हमें चलकर टाइगर दिख जाए और आगे हम जो है पिपराहा से होते हुए निकलेंगे चलाली। तो दोस्तों जैसे कि हम भदान नदी से घाटी को चढ़े और ऐसे ही घाटी चढ़ते ही वार्किंग डियर का कॉल चालू था और कुछ ही दूरी पे जो है गांव के मवेशी भी वहां पर थे। तो टाइगर तो पक्का था। पिपराहा नाला पहुंच गए हैं दोस्तों, काफ़ी रेता है यहां पे, उतरना पड़ेगा।
ये है पिपरहा नाला और ये जो है टाइगर का हंटिंग ग्राउंड है। यहाँ पे जो है गांव वाले जो है मवेशियों को लाते हैं और ऐसे जगह पे जो है टाइगर जो है मवेशियों पर अटैक करता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कई बार जो है कई बार नहीं हमेशा यहाँ पे टाइगर देखा जा सकता है और ये टाइगर का शिकार स्थल है और हमेशा जो है इसी क्षेत्र के आसपास जो है गांव के मवेशियों पर अटैक करता है। और आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि ये हम जो है अभी बिरहुली जोन पे हैं और यहाँ पर जो है चार टाइगर ज़्यादातर इस क्षेत्र पे देखे जा सकते हैं। एक छाया जो कि फीमेल टाइगर और उसके तीन बच्चे एक साथ इस क्षेत्र पे घूमते हैं। और एक बार ऐसा भी हुआ था कि ताला से जिप्सी जो है टूरिस्ट लोग आए थे तो चरवाहों के द्वारा जो है पता चला कि जिप्सी को कम से 100 मीटर की दूरी तक उसका पीछा की थी जिप्सी का। तो कभी कभी ऐसा होता है और ज़्यादातर हमारे साथ जो है काफ़ी लोग रहते हैं तो ऐसा कभी हमारे साथ हुआ नहीं। फिर भी काफ़ी सावधानी से इस क्षेत्र पे हम लोग आते हैं और काफ़ी ग्रुप में रहते हैं, जैसे चरवाहों के साथ मैं ज़्यादातर रहता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि सामने चरवाहे हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे और बाघ के बारे में जानेंगे कि कहाँ पर है आज बाघ और उसके तीन बच्चे। अभी जो है हम मऊहरिया हार पे आ चुके हैं और यहाँ का जो है ख़तरनाक एरिया जंगल जो है आप लोग देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है ख़तरनाक एरिया है और यहाँ पे जो है भैंस भी यहाँ पे फैली हैं जो कि गांव के लोग हैं यहाँ पे भैंस लिए हैं। और हम जो है अभी जस्ट जो है लगभग 5:30 का टाइम है, 5:30 का टाइम हो गया है दोस्तों और हम जंगल के बीचों बीच पिपरहा के ऊपर जो है एक एरिया पड़ता है और कूढ़ा बाबा का जो है रास्ता भी है, आगे जो है कूढ़ा बाबा हैं एक, तो वहाँ भी अपन चलेंगे। और चारों तरफ और इधर ढलान है, काफ़ी गहरा ढलान देख सकते हैं, नीचे जो है नाला है और आज क्या है टाइगर का मोमेंट कहीं पता नहीं क्या हिरण उरण कुछ नहीं दोस्तों।